चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हम तो रातु पहरा दे चौकीदार बन के आपको ही वो कर लिया, हमने तो देखा नहीं कहीं चौकीदार करता, हम बना दिए चौकीदार। जो राजा व्यापारी हो जा, बिजनेस मैन हो जा, उस देश का पतन हो जा। और आपको और बताऊं, लाल किले पर झंडा है इस सरकार पे, लाल किले तिरंगे की रक्षा नहीं हुई। यह नक्सली बने वहाँ बिहार में, अहम में तो वे जमीन उनकी खोखली थी 30-40 साल पहले, उन्होंने वे पूंजीपति ने तो वह आतंकवादी यही तो बनी, यही यहाँ हो जाएगा आतंकवादी। 700 तो मर लिया, हित में इतना कर लिया, जहाँ जहाँ वही कहीं गाड़ी चढ़ा दे हित में, कहीं गोली चलवा दे, कहीं लट बजवा दे, यू हित में काम करा किसानों का। तो हमें संघर्ष करने की जरूरत, हम समाजवादी लोग आपको गले लगाने हैं। परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद की। कितना विकास हो रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया है। मैं संविधान के साथ खड़ा हूँ। और नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। आज हम शामली विधानसभा सीट के भैंसवाल गांव में हैं, जो एक गन्ना बोल्या क्षेत्र है, और आज हम पहुंचे हैं गन्ना किसानों के बीच। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव की हलचल आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी। आइए यहाँ के बात करते हैं यहाँ के गन्ना किसानों से, इस बार चुनावी मुद्दे क्या है इन गन्ना किसानों के, और किसकी सरकार किसान बना रहे हैं और किसकी हटा रहे हैं। आइए बात करते हैं आपसे ही। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है और क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे किसानों के, किन चीज़ों को लेकर चुनाव किया जाए? किसानों का तो बहुत मुद्दे है, 5 साल हो गए घंटे का 25 रुपये बढ़ाए अब की बार, 25 पैसे किलो। इस तक हम तो नमक पर भी नहीं, नमक को देख लो कितना महंगा हो रहा, हमारे घंटे पर सिर्फ 25 पैसे बढ़ाए, कुछ नहीं बढ़ाया, 1 किलो पर सिर्फ 25 पैसे। बिजली जो है उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी है, 175 रुपये हाउस पावर बिजली है, जो हरियाणा में 35 हाउस पावर है और पंजाब में फ्री है। उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा चुनाव, किसकी सरकार आ रही है इस बार? अब की बार तो भाजपा जा रही है और आरएलडी आ रही है। 2000 रोजगार के, 2 करोड़ रोजगार क्या था, रोजगार पे बिल्कुल मड़ा लग रहा, कोई रोजगार नहीं है, सब सड़क पर आ रहे, परेशानी क्या आ रही। एक तो सांप हो, सांप तो काट के बढ़ जाए भट में, एक अजगर हो या पार्टी अजगर है, टिंगले है या बाहर नहीं काटते फिर। अब मैन कांड आज समाज में जो इंसान 36 बिरादरी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये हिंदू आधार पे, हिंदू आधार पे सरकार आ गई थी और आज हिंदू ही सरकार कितने परेशान हो रही। जो राजा व्यापारी हो जा, बिजनेस मैन हो जा, उस देश का पतन हो जा। और आपको और बताऊँ, लाल किले पर झंडा है इस सरकार पर, लाल किले तिरंगे की रक्षा नहीं हुई। वो तो ये फ्रंट पर आई तो है नहीं, एक भी बात नहीं आई इसके, जो यू बन के दिखावे वो हमें बना दे, हम तो रातू पहरा दे चौकीदार बन के आपको ही वो कर लिया, हमने तो देखा नहीं कहीं चौकीदार करता, हम बना दिए चौकीदार। टीम काले कानून बना दिए, देखो या 10 बीघा किसान भी अपने बच्चे को लेके खेत में लगा रहे सुबह से शाम तक, उसे कोई फुर्सत तो मिलती नहीं। जब ये 3 कानून काले कानून लागू हो जाएंगे तो ये पूंजीपतियों के पास जमीन चली जाएगी। यह नक्सली बने वहाँ बिहार में, अहम में तो वे जमीन उनकी खोखली थी 30-40 साल पहले, उन्होंने वे पूंजीपति ने तो वे आतंकवादी यही तो बनी, यही यहाँ हो जाएगा आतंकवादी। विशेष रूप से शामली जनपद की तीनों मिलों का भुगतान सबसे फिसड्डी भुगतान है, हमें लगता है कि उन्होंने जानबूझ करके हमारे इस क्षेत्र का भुगतान भी रुकवाया हुआ है, क्योंकि अन्य मिलों ने अपना पूर्ण भुगतान कर चुके हैं केवल एक बजाज ग्रुप को छोड़ करके, लेकिन शामली जनपद की तो तीनों मिल जो है फिसड्डी है, हम कैसे मान ले के जो है मंत्री जी ने जो है यहाँ कोई विकास किया है। रही बात सड़कों की, जिन सड़कों के विकास की बात करते हैं उन पर तो किसान के ट्रैक्टर को चढ़ने की भी अनुमति नहीं है, किसान का क्या विकास हुआ उससे। रही बात अभी आपने पूछा था एक कोरोना से संबंधित, कि कोरोना में इनकी विशेष उपलब्धि क्या रही, इससे ज़्यादा विशेष उपलब्धि क्या हो सकती है, इन्होंने राज्यसभा में और संसद में झूठ बोला है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, के जो है हमारे यहाँ कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, यहाँ से सबसे ज़्यादा अगर मौत हुई है तो ऑक्सीजन की कमी से हुई है, और इनकी व्यवस्था जो अच्छी नहीं थी उनके कारण हुई है। कहाँ कहाँ तक हम इनके जो है कारनामे गिनवाए, हमें यह लगता है कि जिस प्रकार से इन्होंने जितने झूठे वादे करके हमारे युवा वर्ग को बहकाया था और अब इनका वोट प्राप्त किया था, अब वो युवा वर्ग
बदल चुका है और उन्होंने ये ठान लिया है कि झूठे वादों पर वोट नहीं करेगा। अभी एक घटना हुई है लखीमपुर खीरी में, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, आपको क्या लगता है ये क्यों किया जा रहा है किसानों के साथ, क्या वजह है इसकी? यू जो लिए हत्याकांड का कम है, वो मैन कांड जो है उनका क्या अपराध था, उनका क्या अपराध था जो वहाँ कुछ ले। मैं पूरे देश से 125 करोड़ से पूछना चाहता हूँ, मोदी सर योगी से पूछना चाहता हूँ, उनका के दोस्त था जो ना गाड़ी से कुछ ले। इसका मतलब आप ताकत में आ गए, जनता ने आपको ताकत दे दी, अब तो ये आदमी कुछ नहीं चलू कर दिए जो कर जलिए हत्याकांड में अंग्रेजों ने मरवाए थे। ये बहुत बड़ी घटना है, इस घटना से यह सरकार खत्म हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि वो तो किसान ही नहीं थे जिनके ऊपर साथ ये हुआ। बड़ी दे बतरी दे हमें, पता नहीं आतंकवादी पता नहीं कितने मतलब है, मैं कहूँ आतंकवादी मुठ्ठी भर बतावे, अरे तो मार दो ना पैनी निमटेगी, हम आतंकवादी रहेंगे कि क्या, अरे मुठ्ठी भर है तो तोप चला दो, ये आतंकवादी खत्म हो जाएंगे, इनका देश हो जाएगा। अभी गन्ने का भाव बढ़ा है 25 रुपये फिलहाल की योगी सरकार ने, किसान के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये कहते हैं कि 25 रुपये बढ़ाए हैं, लेकिन इन्होंने दूसरे मदों में चाहे डीजल हो, बिजली के जो है रेट हो, या अन्य खाद पे, पेस्टिसाइड पे और बहुत सी चीज़ों पे जो है इतना भार किसान पे पड़ चुका है कि ये 25 रुपये नहीं, अगर ये 100 रुपये भी बढ़ावे वो भी किसान के लिए ना काफ़ी है। लेकिन ये एक पता नहीं झूठा षड्यंत्र रच रहे हैं, किसान पे महंगाई की मार बेहद गिरते जा रहे हैं और एक जो है झूठा आश्वासन दे के किसान की आय दुगनी हम कर रहे हैं, दुगनी नहीं, इन्होंने तो आधी भी आय किसान की नहीं छोड़ी है, इन्होंने किसान को बर्बाद करने का काम किया है। और मेरा तो यह मानना है किसान के साथ साथ हमारा जो मजदूर भाई है, हमारा जो छोटा व्यापारी है, जो हमारा युवा बेरोजगार होता जा रहा है, हर किसी वर्ग के साथ में धोखा करने का काम ये सरकार कर रही है। किसान के बच्चे ही एक तरफ सुरक्षा, देश की सुरक्षा आर्मी हो पुलिस हो सब संभालते हैं, क्या इन सरकारों ने पिछले 4 सालों में उन आपके बच्चों के लिए, किसानों के बच्चों के लिए क्या इस तरह के रोजगार पैदा किए या नहीं, आपको क्या लगता है? सरकार ने कोई भर्ती निकाल ली अब तक ना, रेली की भर्ती लिए हमारे यहाँ उतरी पहले जिला स्तर पर कोई नहीं हुई, मुजफ्फरनगर में शामली में कोई भर्ती नहीं करी, तो भर्ती के तो बच्चे जाएंगे काम, और बच्चे गाँव में ही देहात में यहीं पर घूमेंगे, कोई रोजगार नहीं है, बच्चों को तो गरीब कर दिया है ना, और ज़्यादा जो शिक्षा थी वो भी छीन ली, नहीं की शिक्षा जा नहीं रहे, स्कूल नहीं जा पाते, शिक्षा खत्म होगी, किसान को जो है ना और ज़्यादा गरीब कर दिया पहले की अपेक्षा, जो हमारे किसान थोड़ा रोजगार सही था पहले चल रहा था व्यवस्था, वो इतना व्यवस्था कर दिया हमारी, इसने तो किसान को मजदूर बना दिया, मजदूर भी दिल्ली में लगा लिया अपने यहाँ शहरों में पहुँचा दिया किसान को, प्रति वर्ष देख रहे होंगे प्रतिदिन देख लो आप 20-25 किसान हमारे गाँव छोड़ के जमीन छोड़ के खेत शहर की तरफ जा रहा मजदूरी करने के लिए, गाँव में मजदूरी नहीं है, गाँव में रोजगार नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है अपना, थोड़ी थोड़ी जमीन है किसानों के पास। पिछले 10-11 महीनों से पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, क्या इस किसान आंदोलन का असर चुनाव पर पड़ेगा या क्या समीकरण बनेगा उत्तर प्रदेश पर? बिल्कुल, किसान आंदोलन का असर जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव पर ही नहीं बल्कि पूरी भारत की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसका असर पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिखाई देता है। और ये हमारा ये मानना है, ये कहते हैं हमने किसान की आय बढ़ाने के लिए कृषि कानून लाए हैं, जब पूरे वर्ल्ड में एक महामारी का प्रकोप फैल रहा था और किसानों ने इस कानून की मांग नहीं की थी, इनको आवश्यकता क्या थी, इनकी किन लोगों से साठगांठ थी, क्यों नहीं ये उस चीज़ का खुलासा करते कि इन्होंने जिनसे पैसा ले करके और यहाँ सत्ता में आए हैं और उन्हीं के लिए आज काम करने के लिए तैयार बैठे हैं, ये किसान के हित में नहीं है, ये व्यापारियों के हित की सरकार है, इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति इस देश की जो है दिशा को और दशा को तय करेगा। किसान के हित में कुछ कार्य किए इन लोगों ने? ये देख ले तो किसान के हित में क्या कार्य कर, किसान ही बैठा हुआ 11 महीने थे 700 तो मर लिया, हित में इतना कर लिया, जहाँ जहाँ वही कहीं गाड़ी चढ़ा दे हित में, कहीं गोली चलवा दे, कहीं लट बजवा दे, यूँ हित में काम करा किसानों का। पिछली बार किसान ही सरकार लाए थे तो इस बार क्या लग रहा है किसान किस तरह से जवाब देंगे उत्तर प्रदेश में? भाई जो कल लाए थे नो ही फथलेंगे, भाई जो यह ला सके फथलना भी जाने, इतनी बड़ी महापंचायत करके दिखा दी मुझे अपना घर में किसानों ने तो करी, हिंदुस्तान में मोदी करके दिखा दो, अमित शाह करके दिखा दो,
किसानों का कहना है कि पिछली सरकारों ने उनके लिए कोई काम नहीं किए है और इस चुनाव में किसान जवाब देंगे मतदान करके, और इसी मतदान के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार किसकी सरकार आएगी ये तय होगा। जुड़े रहे चलचित्र अभियान की जमीनी रिपोर्ट से, उत्तर प्रदेश की चुनावी खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।